गुड मॉर्निंग। तो आज भी कोई आया नहीं है वैसे, और मैं जिम पे आ गया हूँ। बाकी मैं वर्कआउट आज आर्म्स वर्कआउट करने वाला हूँ, बाई ट्राई और फोर आर्म्स की वर्कआउट करूँगा, क्योंकि साइज भी मेंटेन करना है। और दिस टाइम आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन आई बी पी टू, सो दैट्स वुड बी ग्रेट। इफ यू वांट टू गेट अ प्रो कार्ड, यू हैव टू बी अ प्रो बॉडी बिल्डर। प्रो कार्ड लेने के लिए प्रो बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा, उसी हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से तैयारियाँ करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। तो देखते हैं, अभी फिलहाल तो मैं जिम पे आ गया। मुझे ये देखना होगा कि कोई आएगा, आए मुझे आना पड़ेगा, आया भी आ गया, और तभी मैं तैयारी करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आई एफ बी प्रो में अप्लाई करने के लिए, आई मीन प्रो कार्ड पाने के लिए मुझे तैयारियां करनी पड़ेंगी। उसी हिसाब से तैयारियां क्या क्या होंगी वो तो अभी इतना भी नहीं पता, लेकिन हाँ वर्कआउट पहले प्रॉपर वर्कआउट के साथ डाइट चाहिए, डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, उसकी एक तरीके से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ कैसे खाना है, क्या न्यूट्रिशन रखना है। तो हो सकता है कि न्यूट्रिशन भी रखना पड़े या स्टडी करना पड़े, जहाँ तक मैंने स्टडी की कोई वैसे कोच वगैरह तो रखा नहीं आता, टाइम का तो टाइम पे मुझे पैसे भी नहीं थे, उस मैंने खुद ही स्टडी करके स्टार्ट किया। अभी 3 महीने पहले, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार बॉडी कई साल से बना रहा हूँ, फिर छोड़ जाता है, फिर गैप आता है, फिर बॉडी को पहुँच जाता है, फिर वर्कआउट करना। इससे अच्छा ये है कि कुछ तैयारी करके किया, क्योंकि मेरे जानने वाले ठीक है वर्कआउट, इसलिए मैंने सोचा कि चलो रेगुलर वर्कआउट तो होते, इसलिए मैंने आर्म्स दो दिन तो वैसे गैप हो गया था। अभी आर्म्स की वर्कआउट वर्कआउट कर रहा हूँ, बाइसेप्स की बाइसेप का लोवर हैमर मार रहा हूँ। अब जैसे तैसे फिलहाल तो कर ही रहा हूँ, लेकिन हाँ ये प्रॉपर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक महीना और तो जॉब का भी था छोड़ दिया था, थोड़ा पैसे का भी इनकम हो जाएगा, तो जॉब स्टार्ट है। तो इसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगा कुछ सप्लीमेंट लाना है, प्रोटीन लाना है उसी हिसाब से। और जो बंदे बोलते हैं ना कि प्रोटीन पाउडर खाते हैं, भाई सप्लीमेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे, प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है पाउडर किसी उस चीज़ से बनता है, दूध से ही बनता है, दूध का ही पार्ट होता है, उसमें वीडियो भी बना रखी है, दूध का ही पार्ट होता है, उसमें क्रिशिंग होता है और अपना वे होता है, वे लेते हैं, क्रिशिंग भी लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपको सस्टेनेबल होता है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रोटीन की लेनी पड़ती है। और बी सी वगैरह है ठीक है, इंट्रा वर्कआउट के लिए है, लेकिन और भी उसके तरीके हैं, लेकिन आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन्स वगैरह भी ले सकते हैं। और डाइटिंग डाइट को प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर डाइट, और उन बंदों के लिए नहीं है बॉडी बिल्डर जो बंदे सोच रहे हैं पैसा मिले, पैसा तो लगेगा, पैसा तो इतना लगेगा कि सोच नहीं सकते, क्योंकि ये पैसे का ही खेल है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेंटेनेंस एक तरीके का, जैसे गाड़ी इसका भी मेंटेनेंस इसी तरीके से होता है, वर्कआउट कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर उसकी हेल्थ चेकअप आपको अपने आप ही करनी होगी, फिर उसी हिसाब से जैसे बॉडी वो तैयार हुआ तो फैट फैट परसेंटेज देखनी होगी बॉडी। तो वो आई एफ बी पी प्रो में अप्लाई करने के लिए आप एक तरीके से आपको प्रो कार्ड ले लेंगे, बहुत आप लेनी पड़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा है कि लेना है तो लेना है, और देखता हूँ क्या होता है आखिर। अभी बहुत लोगों को मिल गया, एक बंदा था अभी हरियाणा का है, वो बंदा ऑटो चलाता था, ऑटो चला के
वर्कआउट कर लिया,